एडवेंचर का पहला मरहला शुरू हो चुका है क्योंकि गाड़ी की इंजन ऑयल की लाइट ऑन हो चुकी है और अब हम सुबह के आई थिंक 6:30 हो रहे हैं, राइट 6:30, और अभी हम इंजन ऑयल ढूंढते फिर रहे हैं। व्यूअर्स, हमारा पहला चैलेंज ओवर कम हो चुका है क्योंकि हमारे एक और दोस्त हैं शहजादा गाजीउद्दीन, उन्होंने हमें मालाकंड रोड से आके अभी रेस्क्यू किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, और ये हम तखबाई में हैं। गाड़ी चेंज हो चुकी है, वो जो साहब आपने पहले देखे थे हमारे फेलो ट्रैवलर जो सामान के नीचे दबे हुए थे, वो अभी भी सामान के नीचे ही दबे हुए हैं और गाड़ी खचा खच सामान से भरी हुई है। जो नजर आ रहे हैं ये सीन अब चेंज हो रहा है, गाड़ी से अब हम इस हाईएस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं और देखिए हमारा सामान सारा ऊपर लोड कर दिया है इन्होंने। एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ, आई थिंक अभी तो शुरू हुआ है। अभी हम पहुंचे हैं लवारी टनल के पास एंड जस्ट हैव अ लुक अराउंड। तो मैं ढल जाती है यहाँ जुगनू, जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं, ये माना के आंखों में आंसू है दिलों। व्यूअर्स, कोई भी एडवेंचर हो आप उसको पेशेंस के बगैर नहीं झील सकते। इस वक्त हम पिछले 2 घंटे से लवारी टनल के खुलने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और कुछ लोग इधर सो चुके हैं कुछ सर नीचे फेंक के जाग रहे हैं, कुछ सोने की कोशिश कर रहे हैं। और गाजी, आप बताएंगे कि हम कितनी हाइट पे हैं इस वक्त? अभी हम 10,200 की हाइट पे हैं और अभी जो कॉन्वॉय है उस साइड चित्राल साइड से वो अभी ख़त्म होने वाली है और इसके बाद फिर हमारी बारी है, हम निकलेंगे। और गाड़ी में इस वक्त जो शख्स फ्रीज हो चुका है कम्प्लीटली वो बताएगा कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर मेरे ख्याल से अभी होगा -2, -3 और बहुत सख्त ठंड है बाहर और पाँव जम गए हैं। आई नो, मेरे भी जम चुके हैं, बिल्कुल फ्रोजन है। अभी आप क्या समझते हैं कितनी देर में खुलेगा ये? बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके बाद कुछ नहीं जवाब दिया तो आप खुद ही समझ जाएं फिर। जिंदगी गुजार है, हमको इससे प्यार है, आना एक बार है, खो देना बेकार है। जिंदगी 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 अपनी वीडियो ब्लॉग्स के साथ आपके पास फिर से हाजिर है और आज मैं नगर फोर्ट चित्राल में पहुंच चुकी हूं। 4 बजे से हमने अपना सफ़र शुरू किया था और वो कठिन मरहले तय करने के बाद फिर हम इस लवली पैराडाइज में पहुंच चुके हैं। दिस इज़ द नगर फोर्ट, इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ रिज, 3 साइड से इसके इर्द गिर्द चित्राल रिवर है और इसको कनेक्ट करता है विद द रेस्ट ऑफ द चित्राल विद अ सस्पेंशन ब्रिज। और उस पर जब हम गाड़ी आ रही थी तो थोड़ा मैं डर रही थी, बट इट्स वेरी वेरी आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हम आगे में हैं और आज मेरा day 1 है। इट्स अ लवली ब्राइट मॉर्निंग, यहाँ पे पूल इतने खूबसूरत हैं कि उनको देख के दिल नहीं भरता। अब इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि बेसिकली जो आपको पता है कि चित्राल पहले एक प्रिंसली स्टेट थी, तो उस वक्त के जो मेहतर थे हिज हाइनेस सर शुजाउल मुल्क ने को बनाया था एज अ पिक्चर बिकॉज यहाँ पे कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर है वो द रेस्ट ऑफ द चित्राल से थोड़ा वार्मर है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने अपने लिए ये विंटर रिजॉर्ट बनाई और फिर उसके बाद उनके बेटे शहजादा गाजीउद्दीन ने इसको इनहेरिट किया। शहजादा गाजीउद्दीन जो थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे
और फर्दर उनसे शहजादा सिराजुद्दीन को ये खूबसूरत जो लोकेशन है दिस फोर्ट, ये उनको विरसे में मिला। उनको फूलों से और पौधों से बहुत लगाव था और इसलिए उन्होंने इस जगह को मैं तो कहूँगी कि पैराडाइज बना डाला। उन्होंने दुनिया के कहाँ कहाँ से यहाँ पर फूल ला के लगाए हुए हैं और उसको मज़ीदतर और बढ़ाने के लिए फिर उनके बेटे शहजादा सलाउद्दीन ने इसको इनहेरिट किया और वो इसमें इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि कल भी मैंने उनको देखा है और वो बाग में कहीं ना कहीं बस कोई फूल लगा रहे थे, कुछ इनकी वीडिंग कर रहे थे। यहाँ पे इतने रंग, इतने खूबसूरत रंगों के फूल हैं कि ये मैंने यूरोप में या स्कॉटलैंड में भी नहीं देखे होंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे उनकी बेटी है जी शहजादा गाजी और शहजादा फैसल, वो इस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो मेरी तो जी पैराडाइज की बिगनिंग शुरू हो गई है, हमारे मुल्क में जन्नत है, पता नहीं हम क्यों नहीं बाहर निकलते और देखते इन जगहों को। ये देखें जी, किसी के गम, इट्स सो अमेजिंग, ही प्यार है। यहाँ आके आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं याद रहती क्योंकि यहाँ पे सर्विस ही नहीं चल रही। जिंदगी इसका स्ट्रक्चर जो है इट्स अ मैसिव स्ट्रक्चर और इसकी दीवार की विड्थ जो है जो कि पत्थरों और वुडन लॉग्स से बनी हुई है वो तकरीबन 8 feet है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर होल्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ से ये लोग कैनन यूज़ करते थे, कैनन फायर होती थी इधर से एंड इट वॉज़ यूज फॉर देयर प्रोटेक्शन। सो दिस इज़ एन ओल्ड फोर्ट बट इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड मार्वलसली। आई थिंक यूनेस्को को चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट ले बिकॉज ये हमारी हेरिटेज का हिस्सा है और ऐसी चीज़ें जो नेगलेक्टेड हैं हमें उनके लिए एफर्ट करनी चाहिए ताकि पब्लिक को उसके बारे में पता चल सके। दिलों में बसी बेबसी, चलो ये भी माना के अपनों से बेहतर। और ये फोर्ट का बाग है जो मैं देखने जा रही हूँ और आपको भी दिखाती होगी। यहाँ रास्ते दुश्वार है और मंजिले उस पार है। ये प्राइवेट बाग है और चूंकि आम पब्लिक आके इसको गंदा कर देती है तो अब इन्होंने इसकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी हुई है और उन्होंने बहुत मेहनत से इसको मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे जो ग्रास का कलर मैं देख रही हूँ वो मुझे जो मैंने स्कॉटलैंड में मेडोज़ देखे थे वो याद करा रहा है। तो पब्लिक आती है इधर मगर रिस्ट्रिक्टेड। और इसकी खूबसूरती ये है कि इर्द गिर्द इसके हिंदू कुश रेंज है और एक साइड पर इसके चित्राल रिवर है। किसी के गम को बांटना ही प्यार है। व्यूअर्स ये मुझे एक भाई साहब मिले हैं इधर बैठे हुए आके बाग में। मैं नगर का रहने वाला हूँ, चित्राल का खूबसूरत इलाका है नगर और बहुत खूबसूरत इलाके में हम रहते हैं। किले के थोड़ा आगे अगर जाओगे तो इस सड़क पे थोड़ा आगे जाओगे तो आगे मेरा घर है, बस एक गरीब खाना है, उधर रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त है जी ज़िंदगी यहाँ, हम बहुत खूबसूरत बसर करते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ों में और आके फिर इन खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों में हम जो रहते हैं जी बहुत 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 इंजॉय करते हैं जी, बहुत इंजॉय। शहर शहर होता है वहाँ के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, वो उनके अपने रौनक है जी। बहरहाल मैं शहर की ये नहीं कहता कि शहर अच्छा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर हमारे जगह के मुकाबले में देखा जाए तो मेरे ख्याल में जी हम जन्नत में रहते हैं। सुनो माता की खो बसुनो माथ्रार हाय कोसाओ ताकी को बा।
का मतलब बाहर हो गए मेरे चित्राल में। आए हाय, अभी चक्कर लगाने आना चाहिए। ओए होए होए, क्या बात है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है। ओहो जबरदस्त जी, दिल खुश कर दिया आपने। जिंदगी गुजार है, हमको इससे प्यार है, आना एक बार है, खो देना बेकार है जिंदगी। आए आप हमारा चित्राल देखें, हमारा कल्चर देखें, खूबसूरत वेली है, खूबसूरत लोग हैं, तो आए आप जरूर चित्राल विजिट करें। मेहमान नवाजी चित्राल का जो कैलाश वेली, चित्राली लोग, खूबसूरत लोग, इनसे जरूर आए आप एक दफा मिले इनसे। दरबार है ये शहजादा गाजीउद्दीन के डॉग्स, तो मुझे नजर आ रहे हैं टाइगर और डीनो जी। शहजादा गाजीउद्दीन आप यहाँ पे क्या हो रहा है आज? आज जी हम यहाँ पे ओल्ड फोर्ट ट्रेवल्स का बेस कैंप बना रहे हैं नगर में, बना रहे हैं। ओके, ये व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूं कि ये सिर्फ शहजादे नहीं है, ये बैठ के आराम नहीं करते इधर। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये भी और इनके भाई भी, और इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है हमारी आवाम के लिए कि उनको चित्राल की खूबसूरती से आगाह करें। राइट, बिल्कुल जी बिल्कुल। बेकार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग का मौसम है और बहुत खूबसूरत वेदर है यहाँ पे, बारिश भी थोड़ी देर पहले हुई है, तो जब धूप निकली है तो हमने ये टेंट्स वगैरह ये लगाने शुरू किए हैं, तो इंशाल्लाह ये जगह आपको बहुत खूबसूरत लगेगी और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये जिस तरह मैं इंजॉय अच्छा ये कुत्ते भी आपके इसका पार्ट एंड पार्सल है, ये भी साथ होंगे? ये भी खुश हो गए ना कि मतलब ये हम आज यहाँ पे कुछ कर, बेसिकली आपके साथ बहुत ये खेलना चाह रहे हैं। एक ने तो मुंह में कोई खत पकड़ा हुआ है, किसी ने भेजा है आपको ये खत? नहीं नहीं, ये तो वैसे ही कोई लेटर आया होगा, तो ये अभी मालिक के पास ले आए हैं लेटर। बड़े क्यूट कुत्ते हैं जी जी, इनके नाम आई थिंक टाइगर और डीनो। डीनो है, एक टाइगर है। तो इनका मेन काम क्या है वैसे आपने? ये हंटिंग के लिए हमने रखे हुए। नगर फोर्ट में जो टूरिस्ट हैं वो 1927 से आ रहे हैं और हमारे पास विजिटर्स बुक में मतलब ऑन रिकॉर्ड हैं वो सारे, जितने भी उनकी व्यूज़ हैं यहाँ पे आके आए हुए हैं 1927 के बाद, तो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए हैं, बहुत फेमस लाइक रॉबर्ट डिनेरो आया हुआ है जी 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 जी। गवर्नमेंट की तरफ से जी हमें कोई इतना सपोर्ट नहीं है, तो हमने खुद ही ये सोचा कि भाई हम खुद स्टेप ले लें और इसको प्रमोट करें, दुनिया को दिखाएं, लोगों को इनवाइट करें यहाँ पे। तो पूरे पाकिस्तानियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप आएं, ज़रूर आएं, मतलब चित्राल कोई इतनी दूर नहीं है, रोड्स भी सही हैं, टनल अभी बन गया है, तो इट इज़ एक्सेसिबल। नगर फोर्ट साउथ में आता है, चित्राल के साउथ में आता है और लवारी टनल से मतलब यहाँ तक 25 मिनट्स की ड्राइव है। दूसरा ये कि ये जो फोर्ट है इसकी जो दीवारें हैं उनकी जो विड्थ है दैट इज़ लाइक विड्थ इसकी है कोई 6 feet तक होगी, 6 feet, 6 to 7 feet तक इसकी विड्थ है। और सीमेंटेड वॉल्स हैं ये? नहीं जी, ये पत्थरों से। जिंदगी गुजार है, हमको इससे प्यार है। ये दीवार की जो जो स्ट्रक्चर है वो पत्थर उसमें यूज होता है और लॉग्स उसमें यूज होते हैं, तो उसके बड़े फायदे भी हैं, मतलब अभी अर्थक्वेक भी यहाँ पे आया था। अच्छा। तो उससे ये मतलब ये नुकसान से ये बच जाते हैं। ओके। दूसरा इसमें ये है कि मतलब इस फोर्ट को मेंटेन रखना आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, तो मेरे जो माय फादर मतलब वो हमेशा यहाँ पे होते हैं, तो वो इसको मेंटेन रखने मतलब इसकी जो ब्यूटी है आजकल ये आपको जो नजर आ रहा है, तो ये इसका क्रेडिट पहले मेरे ग्रैंडफादर को जाता है शहजादा सिराजुद्दीन, उनके बाद फिर मेरे बाबा जो है मेरे फादर जो है उन्होंने इसको काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा। और ये गार्डन भी आप देख सकते हैं कि मतलब उनको शौक है तो वो सब कुछ खुद ही करते हैं। इन स्प्रिंग दिस प्लेस बिकम्स सुपर ऑसम। गुलजार है। टाइगर और डीनो ना हो तो ये जगह कंप्लीट नहीं है। से हाय टू द व्यूअर्स। दोनों मेरे दोस्त हैं और सुबह जब मैं इधर बैठ के यहाँ पे योगा करना शुरू करती हूँ तो ये भी साथ शुरू हो जाते हैं। बेकार है, बेकार। क्या महसूस? जी महसूस। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। थैंक यू सो मच। मैं जी K2 TV से आई हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आप इधर क्या कर रही हैं, आप क्या करती हैं?
बस हम लोग इधर यहाँ टूर के लिए आए क्योंकि आज नवरोज का दिन है तो हमने सोचा कुछ आउटिंग हो जाए इसलिए यहाँ घूमने आए हैं हम लोग। अच्छा आप करती क्या है, पढ़ती हैं, जॉब करती हैं? ये लोग स्टूडेंट हैं, मैं पुलिस में भी हूँ, एलएलबी भी कर रही हूँ। ओह वेरी गुड, पुलिस में खातून हो तो क्या ही बात है। क्या क्यों आपने ज्वाइन की पुलिस? बस मेरा शौक भी था और यहाँ जो मुझे अच्छा लगता था कि खवातीन के जो केस है वो मैं हैंडल कर लूँ और उनकी हेल्प कर लूँ, इस वजह से। तो आपके ख्याल में खवातीन को क्या करना चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए सबसे जो है वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक मर्द जो है वो मजदूरी करके भी कमाई कर सकता है लेकिन एक औरत के लिए चैलेंज इस माशरे के बहुत ज़्यादा, इसलिए वो अगर एजुकेटेड हो तो अपने चैलेंज से निपटना उसके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे एजुकेशन इजीली अवेलेबल है आप लोगों को लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं जिसमें ख्वातीन के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि हिम्मत कभी नहीं हारना है और जितना भी तालीम हासिल कर सकते हो आगे जाए, मंजिल आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फोक्स, आज मेरा डे 3 है नागर फोर्ट में और आज मैं सुबह से फोर्ट को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए निकली हुई हूँ। फोर्ट के इस हिस्से में जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये एक उनका गेस्ट के लिए स्पेसिफिक एरिया डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें एक साइड पे आप रिवर को व्यू कर सकते हैं और दूसरी साइड पे अंदर एक लश ग्रीन लॉन है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आके ठहरा करते थे, बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर्स भी आ चुके हैं। इनकी गेस्ट बुक इतनी बड़ी है कि मुझे 5 दिन सिर्फ उसको बैठ के स्टडी करने के लिए चाहिए। तो बात सरासर ये है कि इट्स एन अमेजिंग प्लेस, आई लव द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। सो आज का दिन बहुत एक्साइटेडली प्लान्ड है, प्रोबेबली वी आर गोना गो टू कैलाश वैली एंड एक्सप्लोर देयर कल्चर। सो माय मैसेज टू यू इज डोंट गो अवे, आई एम गोना कम बैक टू यू विद मच मोर। जिंदगी गुलजार है। क्या कर रहे हैं भाई साहब? बस यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, मेरा ताल्लुक द्रोश से है और आउटिंग के लिए हम अक्सर इधर ही आते हैं। अच्छा, तो यहाँ आके हम रिलैक्स होते हैं और यह खुशगवार माहौल भी है और आउट ऑफ सिटी है ये। नगर पार्क इसका नाम है, इसको नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यहाँ जो प्रिंस रहता है ये उसी का एरिया है। अच्छा, खा क्या रहे हैं? मैं यहाँ पे कबाब, चावल और चिप्स खा रहा हूँ और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी है। अच्छा, तो ये कोई खास कबाब है यहाँ के? हाँ, द्रोश का ये मशहूर कबाब है। अच्छा, और ये पूरे चित्राल में ये पॉपुलर है और टेस्टी भी है ये काफी, आप टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आँखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी, चलो ये भी माना के अपनों से बेहतर है अजनबी। हाय फोक्स, दिस इज आवर डे 4 टुडे एंड राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे टू चित्राल टाउन। इस वक्त हम पेशावर चित्राल रोड पे खड़े हुए हैं और ये जो नीचे गांव आप वैली देख रहे हैं मेरे पीछे, ये गंग है और यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो हिंदू कुश रेंज है और राइट साइड पे मेरे हिंदू राज है, बैक पे मेरे गोस पहाड़ियाँ आपको जो स्नो क्लैड माउंटेंस नज़र आ रही हैं वो है। यहाँ पे हमारे कुछ साथी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे शिकार के लिए आते हैं तो इधर कौन कौन से एनिमल्स मिल जाते हैं? जी यहाँ पे डक हंटिंग होती है, दूसरा वो चकोर होते हैं, चकोरों की शिकार होती है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर अगर आप और पीछे जाएं तो आपको मारफोर भी मिल जाएंगे। मारफोर मिल जाते हैं? और अलाउड है उनकी हंटिंग? मतलब उनका तो एक प्रॉपर एक लाइसेंस होता है ना, मतलब अच्छा, ये फॉरेनर्स आते हैं तो वो साल में एक दो दफा आके उनका लाइसेंस बुक करके वो हंटिंग करके चले जाते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे मतलब आपको रशियन डव्स भी मिलेंगे। तो मेरा ये है कि यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा प्रिजर्व कर लिया जाए, कम्युनिटी को अपने साथ ले लिया जाए तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क यहाँ पे भी बन सकता है। एक ट्रैवल गाइड भी आए हैं जी आज हमारे साथ और ये हमें दिखाने जा रहे हैं, इनको बहुत सारे ट्रैक्स भी इधर पता है जहाँ पे ये दो दो तीन तीन दिन की ट्रैकिंग करवाते हैं। बताएं व्यूअर्स को कि जी किधर लेके जाते हैं आप? हाँ, मैं इनको इस्लामाबाद से लेके चित्राल आते हैं, चित्राल से उनको लेके बोरोगल जाते हैं, बोरोगल से जाके हम गिलगित जाते हैं। ये इश्क ज़खीरा है कि जिसका हमें अंदाज ही नहीं। और मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि
ki wo Tiraj Mir nazar aa rahi hai, that is the highest peak of Hindu Kush range. It's almost 27,500 feet high. वहाँ से रास्ता जाता है